अतिशय नहीं होता, लेकिन जब माता जी के ध्यान में और उनके कहने में आ गया तो उसको होना पड़ रहा है। ये केवल माता जी कर सकती है। अभी तो कोई ऐसा दिखता नहीं कि जिसके मुंह से शब्द लगे अपराध हो। अब एक भाई ने कहा कि माता जी के मुख से जो निकलता है वो काम पूरा होता ही है। भगवान महावीर के पश्चात कोई महिला कोई साध्वी 400 ग्रंथ लिखे, ये अचंबा है, ये अद्भुत है, ये अतिशय है। जिनके जीवन का प्रत्येक क्षण नवीन चेतना प्रदान करने वाला है, जिनका प्रत्येक चरण जीर्ण शीर्ण तीर्थ के विकास हेतु आगे बढ़ता है, जिनका हर चिंतन देश एवं समाज के उज्ज्वल भविष्य का द्योतक है, ऐसी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की धनी हमारी माता जी का जीवन आज दर्पण के समान सभी के समक्ष दृष्टिगत होता है। आज माता जी ने इस वर्ष गौतम गंधर्व की याद दिलाकर सारे देश में डंका बजाया है, पर मैं यहाँ बैठे लोगों को एक बात बतलाना चाहती हूँ कि आज से 10 साल पहले माता जी ने गुनावा जी में जो गौतम गंधर्व की निर्वाण भूमि है वहाँ गौतम गंधर्व का मंदिर बनवाकर लोगों को यह बतलाया कि इस भूमि का क्या महत्व है। पहले वहाँ एक मंदिर जरूर था, लोग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जानते थे, पर किसी को यह नहीं मालूम था और किसी को मालूम भी था कि निर्वाण भूमि किसकी है। अब वहाँ आने वाला एक बच्चा भी पूछता है कि यह मंदिर किसका है, गौतम गंधर्व कौन है। कहने का मतलब ये है कि माता जी ने हम लोगों के लिए उस मंदिर को बनवाकर कितनी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर दिया है कि एक बच्चा पूछता है कि ये मंदिर किसका है, गौतम गंधर्व कौन है, तो माता जी ने अगली पीढ़ी के लिए भी ये तैयारी कर दी है कि आने वाला यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ये जान जाए कि कौन सी जन्मभूमि है, कौन सी निर्वाण भूमि है, कौन सी तप कल्याणक की भूमि है। आज समाज में संगठन की जरूरी है। संगठन का अर्थ चार शब्द में होता है, चार शब्द होता है संगठन, इसका मतलब चार लोग एकत्र जगह पे आना है। संगठन में बहुत बड़ी ताकत होती है, संगठन से बड़े बड़े कार्य जो है सो अपने संगठन के द्वारा होते हैं। आज गलिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी ने दूरदृष्टि से समाज के अंदर संगठन की आज स्थापना की है। संगठन से बड़े 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 कार्य होता है। मांगी तुंगी क्षेत्र की जो पंचकल्याणिक है ऐसा कोई एक व्यक्ति कर नहीं सकता, इसमें पूरे समाज की आवश्यकता है। और ये समाज जब संगठन हो जाएगा उसी तरह ये पंचकल्याणिक जो है ऐसी जल्द गति से हो जाएगा। तुम हो गणनी तुम्हारे ज्ञान की गणना करना क्या, तुम हो गणनी तुम्हारे ज्ञान की गणना करना क्या, तुम हो ज्ञान की माता ज्ञान की बातें करना क्या, तुम हो ज्ञान की माता ज्ञान की बातें करना क्या। उनके प्रति मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मैं पूज्य माता जी के 81वें जन्म जयंती के पावन अवसर पर पूज्य माता जी सतायु हो और इसी मंगल भावना के साथ एक बात जरूर कहूँगा कि मैंने लगभग 94 पंचकल्याणक कराए, पर वास्तव में मैंने यहाँ जो 108 गणधर प्रतिमाओं की जो शुद्धिकरण की और 400 चरण शुद्ध करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो आनंद वास्तव में 2-4 घंटे में प्राप्त हुआ, वो वास्तव में मुझे 94 पंचकल्याणकों में भी प्राप्त नहीं हुआ। बस मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि पूज्य गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में अनेकों कार्यक्रम कराने का सौभाग्य मुझे मिलता है और देश में सभी जगह प्रतिष्ठाएं विधान आदि करने का पूज्य माता जी के आशीर्वाद से अवसर मिला है। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद। महोत्सव के मध्य पूज्य माता जी द्वारा लिखित विभिन्न साहित्यों का विमोचन भी संपन्न किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय दिल्ली एवं
श्री सुभाष चंद्र जैन सराफ लखनऊ द्वारा गौतम गंधर्व वाणी पर आधारित पूज्य माताजी द्वारा लिखित अमृत वर्षिणी टीका का विमोचन संपन्न हुआ। साथ ही पूज्य प्रज्ञाशमनी आरिका श्री चंद्रामती माताजी द्वारा लिखित पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माताजी के षटखंडागम सिद्धांत चिंतामणि संस्कृत टीका के पुस्तक 11 व 12 का हिंदी अनुवाद भी विमोचित किया गया। यह विमोचन डॉक्टर भागचंद जैन भागेंदु दमोह, डॉक्टर विजय पाटोदी हैदराबाद, प्रोफेसर टीकम चंद जैन मुरादाबाद, श्री सुभाष चंद जैन साहू जम्बूदीप एवं श्रीमती मालती जैन बसंत कुंज दिल्ली द्वारा किया गया। इस अवसर पर गौतम स्वामी प्रणीत प्रतिक्रमण पाठ में परिवर्तन विचारण विषय इस नामक पुस्तक का विमोचन श्री कैलाश चंद्रन करोलबाग दिल्ली व डॉक्टर प्रदीप नांदगांवकर समीक्षा नांदगांवकर नागपुर द्वारा किया गया। विमोचन की श्रृंखला में द्वादशांक श्रुत लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता। इस नामक पुस्तक का विमोचन डॉक्टर सुषमा रूटे कोल्हापुर, श्री आर के जैन वास्तुशास्त्री मुंबई व पंडित खेमचंद जैन जबलपुर द्वारा किया गया। ज्ञानमती माता जी और दक्षिण भारत जैन सभा का संबंध बहुत पुराना है। जब भी माता जी ने जम्बूद्वीप का निर्माण किया और उसकी पहली पंचकल्याण पूजा जब भी हुई, उसमें हमारे दक्षिण भारत जैन सभा के वीर सेवादल संगठन के प्रमुख वीराचार्य बाबा सोकुष्णुरे सहित बहुत सारे सैनिक इधर आए थे और वहाँ से हमारी सेवा समर्पित होती जा रही है। तो बहुत पुराना संबंध दक्षिण भारत जैन सभा और त्रिलोक सौ संस्थान का, दोनों संस्थान का संबंध है। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में 2008 से लेकर दक्षिण भारत जैन सभा की ओर से सम्मे शिखर जी में आचार्य शांति सागर महाराज जी का कोई स्मारक बने, ऐसे हम प्रयत्न करते रहे। ये सब जो भी 2008 से जितना भी हम प्रयास किए थे, सब वीरेंद्र जी हेगड़े साहब को और परम पूज्य श्रवण बेलवाला के भट्टारक चारुकीर्ति महाराज जी को रिपोर्ट किया। महाराज जी ने बताया कि अब ये फाइल बंद करो और एक जमीन अलग सी खरीदी करके वहाँ अलग हमारा शांति सागर महाराज जी का स्मारक बना लो। तो वहाँ से निर्देश आने के बाद तुरंत श्रीपाल जी और हम हस्तिनापुर आए और दूसरे दिन तुरंत माता जी ने उसको मंजूरी देकर 2013 से लेकर रविंद्र कीर्ति महास्वामी ने सब रिपोर्ट कल से आज तक दिया है कि अब वो स्मारक बनने जा रहा है। माता जी का एक उसमें एक सुझाव था कि ये स्मारक और शांति सागर महाराज जी का फिर एक बार रथ के माध्यम से पूरे देश में उसका भ्रमण हो, इसलिए 2 फरवरी को हम कर्नाटक के भोजगांव से वो प्रवर्तन, बहुत सारे हमारे भट्टारक गण और रविंद्र कीर्ति महास्वामी जी, बहुत सारे लोग, कर्नाटक के बहुत सारे मंत्री आए थे, वहाँ से हम शुरुआत करके 210 गांव कर्नाटक के, फिर 25 मई को कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में यानी महाराष्ट्र में उसका स्वागत बिहार के राज्यपाल डॉक्टर डीवाई पाटिल इनके कर कमलोदार किया और रथ प्रवर्तन वहाँ से महाराष्ट्र में शुरू हुआ। माता जी का ये जो सुझाव है ये हमको बहुत बढ़िया लगा। पैसा इकट्ठा करना इसका मतलब नहीं है, माता जी ने बताया था फिर एक बार शांति सागर महाराज जी का एक संग विचार और शांति सागर महाराज की पूरी हिस्ट्री सब लोगों को देने के लिए बहुत बड़ा एक इवेंट हमको दिया और उसका जो परिणाम आ रहा है वो बहुत अच्छा परिणाम गांव-गांव में शहर-शहर में आ रहा है। माता जी का संकल्प और परम पूज्य रविंद्र कीर्ति महाराज जी का मार्गदर्शन, चंद्रामती माता जी का मार्गदर्शन लेके 2-3 बरस में ये हमारा स्मारक पूर्ण होने का संकल्प किया है, उसमें माता जी का आशीर्वाद बहुत बढ़िया हमका लगता है।
पिछले जुलाई में हम आए थे, माता जी ने गौतम गंधर्व वर्ष घोषित किया। तो माता जी जो भी घोषित करती है उसकी अमल बजावनी पूरे दक्षिण भारत जैन सभा वीर सेवा दल वीर महिला मंडल की ओर से हम करते हैं। अभी गौतम गंधर्व वर्ष के उपलक्ष में जैन सरस्वती की एक प्रतिकृति बनाकर वीर महिला मंडल के माध्यम से पूरे गांव में देने की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि वीर महिला मंडल को अभी 25 बरस हुआ रौप महोत्सव उनका चला है। तो गांव-गांव में ये जैन जिनवानी का और जैन सरस्वती का प्रचार और प्रसार, गंधर्व वलय विधान भी हम जयसिंहपुर में रखने की निर्णय किया है, और गंधर्व वर्ष निमित्त एक जुलूस निकलेगा। वो जुलूस में जयसिंहपुर में हम बहुत सारे अटेम करने वाले हैं। अभी उसका चर्चा हम रविन्द्र कीर्ति महास्वामी जी और चंदामती माता जी के साथ करेंगे। बताने का एक मतलब ऐसा है कि आचार्य